नमस्कार प्रणाम। हम किशलाल यादव सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। और बहुत अच्छा लगता कि टीम अभिमन्यु आज कोरोना से पीड़ित जितना लोग बा, आज जरा घरे खाए के नहीं खे, व्यवस्था नहीं खे, ओकरा घरे सामग्री पहुँचौला से लेके और ओकर हेल्प हर जगह टीम अभिमन्यु के द्वारा होता। तो दिल से दुआ बा भाई के लिए कि भाई यहीं आप गरीबों के मसीहा बने रहिए और गरीबों को हर उस दुख में खड़ा होइए। मेरी दुआएं हैं, मेरी भी उम्र लगे ऐसे लोगों के लिए जो गरीबों का रक्षा करते हैं। दिल से दुआ है अभिमन्यु भाई और आपके पूरे टीम को और जो लोग जहां जहां कर रहे हैं सबको दिल से, जिसको मैं नहीं भी जानता जो लोग कर रहे हैं, जो संस्था कर रही है, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। खास करके टीम अभिमन्यु को दिल से दुआ है कि आप लोग ऐसे ही लोगों का मदद करते रहिए और लोगों को प्यार में रहिए। लव यू भाई। हाय, आई एम बैक। हम लोग अभी खाना बना रहे हैं। कल मैंने अंताक्षरी खेली थी मम्मी के साथ आज, और मेरी मम्मी ने बहुत बड़ा पोपट कर दिया था मेरा अंताक्षरी में। तो आज हम बना रहे हैं खाना। ये तो एक बात है कि ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तब मैं बहुत अच्छी नहीं बट अच्छी थोड़ी बहुत कुक बन जाऊंगी। तो मम्मी को पूछती हूँ मैं खाना कैसे बनाती हूँ। मम्मी मैं खाना कैसे बनाती हूँ? बहुत अच्छा बनाती हूँ बिना बिना तेल का। मैं ऑयल बहुत कम डालती हूँ और मेरी मम्मी उतना ही ऑयल डालती है उसमें। अभी ये है कांदा जो फ्राई हो रहा है, इसमें रेड रेड चटनी डाली हुई है हमने। ये है भाकरी, बाजरे की भाकरी मिक्स। तो अभी तो फिलहाल मम्मी को पूछ पूछ के हम खाना बना रहे हैं, क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ कितना डालूँ। बट जब मेरी शादी होगी ना तब बिना कुछ ही बनाऊंगी। नहीं नहीं पूछूंगी कॉल करके, नहीं एक्चुअली कॉल नहीं करूंगी, घर जमा ही लाना है तो फिर कॉल क्यों करूंगी। ओके, सो हम अभी बनाने जा रहे हैं सोयाबीन। हाँ, तो अभी हम सोयाबीन बनाने जा रहे हैं और बस कांदा फ्राई हो जाए। तो शाम को तो अंताक्षरी का प्लान है और मैं डेली अब अंताक्षरी खेलने वाली हूँ चाय पीते पीते। ओके, टमाटर डालने का टाइम आ गया है। मुझे एक्चुअली टमाटर, हाँ दिख रहा है, मुझे एक्चुअली आज बहुत कम ऑयली और सादा खाना खाना था, नो ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं, तो बस वैसा ही खाना बन रहा है। कम ऑयल में, मैं बहुत कम ऑयल डालती हूँ खाने में बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। जला हुआ खाना भी खाना पड़े तो चलेगा लेकिन कम खाने का ऑयल। देखो मिर्ची, ये मेरी माँ इतनी मिर्ची खाती है और बेटी भी नहीं छोड़ती है मिर्ची बिकॉज हम लोग आधे महाराष्ट्र में तीखा खाना पसंद करते। बाय, लव।